ट्राई टू स्लीप। काजल। अरे क्या हुआ? पिछले सात दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। अगर ये नहीं सोया तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मेरी लिल्ली शादी से पहले विधवा हो जाएगी, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले अनाथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब इसको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए। सुंदर, इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तुम मुझे लगा दीजिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके दिमाग पर असर पड़ सकता है, हालत और खराब हो सकती है। मेरी हालत की आपको कोई फिक्र नहीं है? कुछ तो दवा होगी इसके लिए। सुंदर, इसकी दवा बन रही है। काजल, सुरमा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टिक बोल, नेल पॉलिश बोल, काजल मत बोल। अरे त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सारी ओ इट इज ऑल राइट। भूख लगी है? खाना दूं या फिर बोतल ला दूं? वही चढ़ा ले, पेट भर जाएगा। बोतल तो तोड़ दी ना अम्मा। क्या बोली? तोड़ दी बोतल, अब ना पीने की। उसके बाद क्या बोली अम्मा? साहब जी ने कहा था जो माँ जैसी हो उसे अम्मा कहें। मैं अम्मा ना हूं तेरी, ताई हूँ। काजल मुझे ताई कहती थी। ले। अरे अरे, काजल की जगह ये नहीं, वो है मेज पे। चल यहाँ बैठ। छी, कैसे खा रही है? ऐसे नहीं काजल, यूं खाती थी। उठा चम्मच, चम्मच उठा, ऐसे ऐसे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा भगवान तेरे साथ है। याद रख बच्ची, तू एक अच्छे काम के लिए जा रही है। मम्मी मम्मी, पापा को साथ ही लेके आना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। ये तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुत्ते आ गए, नहीं तो हमारी भी हालत यही होती। शट अप। देखिए, किसी भी बात की चूक नहीं होनी चाहिए, हर काम मुश्तैदी से होना चाहिए। ओके सर। लीजिए। थैंक यू माजी। सुनो राम सिंह जी, तुम हर आने जाने वाले पर निगरानी रखना, समझे? ओके सर। चाय। माजी आप तकलीफ मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें तकलीफ कैसी दामाद जी, मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं, और जब भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप घर में आकर बैठिए तो आप मानते ही नहीं। माँ जी, रिश्ते जब फर्ज के रास्ते में आड़े आते हैं तो किस तरह चुपते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता। जैसे आप ठीक समझें, आपकी चाय। सर आपका फोन। रात बहुत हो गई है बेटी,
पुलिस का पहरा भी सख्त है। अब और इंतजार मत कर, अब करण नहीं आएगा। भैया और राखी बंधवाने ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ माँ। माँ भैया, करण मेरे बच्चे, और कब तक यूं भटकता फिरेगा? अब घर लौटा बेटे, घर लौटा, घर लौटा बेटे। फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है मां, पीछे लौटा नहीं जाता। वाह, उधर विनय फर्ज की बातें कर रहा है और इधर तू फर्ज की दुहाई दे रहा है, यानी मेरी ममता का ही कोई मोल नहीं रहा। मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाया जा रहा है उसकी फरियाद मैं किससे करूं? मेरा बहादुर बच्चा चोरों की तरह यहां से वहां छुपता फिर रहा है, तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता? न जाने वो पुलिस के हाथ कब आ जाए और उसे फांसी। नहीं बेटा नहीं, तू खुद अपने आप को विनय के हवाले कर दे, वो तेरा होने वाला बहनों ही है बेटा, वो जरूर तुझे कानून से रिहाई दिलवा देगा। ये मेरी माँ बोल रही है, करण की माँ, वो सत्य प्रकाश जिसने भले ही अपनी जान दे दी लेकिन बेईमानी के आगे घुटने नहीं टेके, क्या ये उसी सत्य प्रकाश की धर्म पत्नी कह रही है कि सत्य की राह बड़ी कठिन है इसलिए सहूलियत के आगे झुक जाओ, इंसाफ की जगह रियायत की भीख मांगो, क्या यही कह रही है मेरी माँ? हाँ बेटा हाँ, सिंदूर पहुंचकर जैसे तैसे सब्र किया है मैंने, लेकिन अगर मेरी कोख उजड़ गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरे इस देश की रीत तो यही है माँ, कि फर्ज की राह पर एक बेटे की बलि चढ़ाकर माँ इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते तो वो इंसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान कर देती। और तू मुझसे कह रही है मां कि मैं अपने देवता जैसे बाबूजी के हत्यारों को माफ कर दूं? बाप मेरा मरा है, मेरा, यहां आग लगी है, आग। बाबूजी ऊपर से देख रहे हैं मां, देख रहे हैं कि आज उनका बेटा क्या कर सकता है। जिस बेटे के सर पर कफन बांधकर उन्होंने सरहद पर भेज दिया था कटने के लिए, आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है वो देख रहे हैं मां, वो देख रहे हैं। मैं अपने आदर्श पिता की मौत पर आंसू बहाकर बैठ जाऊं? नहीं मां नहीं, तूने किसी कायर को नहीं जन्म दिया। सच्चाई की इस जंग में अगर मैं मिट भी जाऊं मां तो दुख ना करना, फक्र करना। बस भैया बस, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बहन। दे सकते हो तो भरोसा दो भैया कि अपना ख्याल रखोगे। भगवान करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भैया को। There he is. Come on now. Run! जल्दी जल्दी करो, ढूंढो उसे।